हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बताइएगा जरूर। तो अभी मैं ब्रेड एंड जैम खाऊंगी। अभी सुबह का टाइम नहीं है, अभी बज रहे रात के 9 और मुझे बहुत जोर से भूख लग गई थी, तो इसीलिए अभी डिनर में थोड़ा टाइम है बनाने में, तो इसीलिए सोची कि ब्रेड था ही तो ब्रेड और जैम खा लिया जाए, कि जब भूख लगे तभी खा लेना चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसीलिए अभी खाऊंगी और उसके बाद फिर डिनर बनाऊंगी। और आप लोगों को अगर ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए अभी मैं फटाफट ब्रेड और जैम खाती हूँ और उसके बाद डिनर बनाते हैं। अभी डिनर बनाना स्टार्ट करती हूँ। अभी बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। कढ़ाई चढ़ा दी और इसमें ऑयल भी डाल दी हूँ। ऑयल गर्म हो गया तो अभी इसमें डालूँगी हींग, तेज़पत्ता और सूखी मिर्च, और इसमें डालूँगी फिर प्याज। प्याज को क्या की हूँ ना, मैं रफली चॉप कर ली थी और इसे प्रेशर कुक कर ली मैं, 3 से 4 सीटी लगा ली थी मैं, तो ये सॉफ्ट हो गई प्याज। और देखिए बहुत क्विक बन जाएगी ये सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी बनती है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी ऐड करूँगी इसमें प्याज, और प्याज ऐड करने के बाद इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप 1 टेबल स्पून यूज़ कीजिएगा, और उसके बाद इसे हम लोग अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ देखिए ऐड कर दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक अदरक और लहसुन का जो रॉ स्मेल है ना वो ना चला जाए, तब तक मैं इसे भून लूँगी। और उसके बाद इसमें डालूँगी मैं मसाले, और मसालों में डाली हूँ मैं हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जो रूटीन के मसाले होते हैं बस वही डालना है। तो ये देखिए ऐड कर दी मैं रूटीन के मसाले, और इसे भी अच्छे से भून लूँगी 5 मिनट तक, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मटर। तो अभी मैं, मेरे पास फ्रोज़न मटर था तो वही ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश हो मटर तो आप वो ऐड कीजिएगा। तो मटर ऐड कर दी हूँ, और यहाँ पराठे के लिए आटा भी निकाल के रखी हूँ। तो ये मटर और प्याज फ्राई हो गई है, तो अभी इसमें ऐड करूँगी मैं पनीर। पनीर में इस तरह से मैं कट कर ली हूँ, अगर आप लोगों को जिस तरह शेप चाहिए उस तरह से आप लोग कट कर लीजिएगा, और मसाले में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और इसे 2 मिनट के लिए मैं रख दूँगी अभी, कि अच्छे से मसालों में कोट हो जाए पनीर। तो बस 2 मिनट बाद इसे हम लोग चेक करेंगे, तब तक मैं आटा लगाने की तैयारी करती हूँ। तो ये आटा ले ली हूँ मैं पराठे के लिए, और इसमें डाली हूँ ऑयल, अजवाइन, कलौंजी, ये प्लेन पराठे मैं बना रही हूँ तो उसके लिए ये सब ली हूँ, और इसे आटा लगा लूँगी। अभी देखिए 2 मिनट बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी मैं। देखिए ठंडा पानी मत ऐड कीजिएगा, गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा। अब जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा, और फिर इसे ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद चेक करते हैं। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुकी है, सब्ज़ी हमारी कुक हो चुकी है। बस अब इसे हम लोग इसमें, देखिए अगर आपको और ग्रेवी चाहिए तो और डालिएगा, मैं थोड़ा सा, मुझे कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा ऐड की थी बाद में। और इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, और गरम मसाले को सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बस सब्ज़ी हो जाएगी रेडी हमारी अभी और 2 मिनट में। और इसमें डाल दूँगी मैं अभी इसी स्टेज पर मैं धनिया पत्ता डाल दूँगी बस, और 1 मिनट हमारी सब्ज़ी रेडी होने में है। तो ये धनिया पत्ता मैं डाल दी, और इसे मैं सब्ज़ी में मिक्स करूँगी, और बस हमारी सब्ज़ी हो गई रेडी, और अब पराठे बना लूँगी। तो डिनर आज की हो गई रेडी, काफ़ी टेस्टी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, जल्दी बन जाती है आपकी, 10 मिनट में तो आराम से आपका बन जाएगा ये सब्ज़ी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ पराठे और करती हूँ डिनर। डिनर करके मैं सोने चली गई थी, ऑलमोस्ट मैं मतलब बस सोने ही वाली थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे राजमा भिगोना था, कल राजमा चावल बनाऊंगी, और राजमा मैं भिगो ही नहीं, और अचानक से पता नहीं कुछ देख रही थी फ़ोन पे तो मुझे याद आया कि राजमा भिगोना तो रह ही गया। तो अभी उठ के आई हूँ, अभी चलते हैं राजमा भिगो देती हूँ। Thank you.
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चाय पीना हो गया और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। अभी मैं जा रही हूँ, मुझे लैपटॉप पे काम है 1 से 1.5 घंटे का, तो वो करूँगी क्योंकि आज मुझे ब्रेकफास्ट का कुछ काम है नहीं किचन में। ब्रेकफास्ट ऑलरेडी है, ब्रेड भी है और कल रात जो मटर पनीर बनाई थी और पराठे, तो वो भी है, तो उसी से हो जाएगा। फ़िलहाल मैं अभी लैपटॉप का काम फिनिश करूँगी क्योंकि फिर किचन में घुस जाऊँगी तो वो काम पेंडिंग रह जाएगा। अभी डायरेक्ट मैं शाम को व्लॉग ये कंटिन्यू कर रही हूँ। सुबह से मैं बिज़ी थी काफ़ी, आज जो भी काम था ना, बहुत मच्छर हो गया, तो वो सबको मैं कंप्लीट की और अभी शाम हो रही है। अभी मैं थोड़ा बाहर निकल रही हूँ, थोड़ा बहुत काम है तो वो सब करूँगी फिनिश्ड। तो चलिए चलिए से मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ और उसके बाद निकलते हैं। फ्रेंड के रेस्टोरेंट में आई हूँ, अभी वो है नहीं, घर चला गया है वो, कि मुझे देर भी हो गई थी आने में और वो तब तक निकल चुका था। तो अभी यहाँ से डिनर करेंगे और फिर निकलूँगी घर के लिए, और इस रेस्टोरेंट का टूर मैं किसी और दिन आप लोग के साथ शेयर करूँगी जब गौरव भी होगा तब। अभी फ़िलहाल खाना खाती हूँ और हम लोग ऑर्डर किए हैं बटर नान और चिकन टिक्का मसाला। तो अभी जल्दी से डिनर करती हूँ और फिर निकलते हैं घर के लिए। तो ये आ गई कॉफ़ी, पहले पीते हैं कॉफ़ी। और आज शाम को चाय भी नहीं पिए थे तो पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद करेंगे डिनर। ये कॉफ़ी आ चुकी है, ये देखिए। तो पहले कॉफ़ी पी लेते हैं और डिनर आएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और रेस्टोरेंट मेरे घर के सामने है, ज़्यादा दूर है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का है डिस्टेंस, 5 मिनट ही होगा शायद, 5 से 10 मिनट। तो सामने ही है, ज़्यादा दूर, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं घर जाने में। तो फटाफट पहले कॉफ़ी इन्जॉय करती हूँ। तो डिनर आ गए, ये है नान और चिकन, और अभी हम लोग एंजॉय करेंगे अपने डिनर और इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक आप रखिए अपना ध्यान, मुझे दीजिए अपना ढेर सारा प्यार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।